नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन किसान पर और आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। और शाम के 6 बजे हम लेकर आते हैं सोमवार से शुक्रवार ये खास कार्यक्रम हेलो किसान, जिसमें हम विशेषज्ञों से खासतौर पर कृषि से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। साथ ही आप भी अगर कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं, कृषि संबंधित किसी तरह की समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं और सुझाव लेना चाहते हैं विशेषज्ञ से, तो जरूर आप भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बस आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के कार्यक्रम के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज के विषय हैं एकीकृत कृषि से आय वृद्धि और कृषि वानिकी व औषधीय पौधों की खेती। तो इन विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर 1800-1130-60 और 1800-1130-61 टोल फ्री नंबर है, यानी कि मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप हमें कॉल करें तो टीवी का जो वॉल्यूम है उस आवाज को आप बंद कर दें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो आपकी बात हम सुन पाएंगे, किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। तो इस तरह से टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, विशेषज्ञ मेहमान से राय ले सकते हैं। हेलो किसान कार्यक्रम में हम खासतौर पर ये विषय आज हम लेकर आए हैं जिस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हमारे मेहमानों से परिचय करा दें जिनसे हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर वीके दुबे, निदेशक है भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ में। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील कुमार जो कि जिला वनाधिकारी है हिसार हरियाणा में। डॉक्टर सुनील कुमार आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। तो बातचीत के यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले अगर एकीकृत कृषि की बात करें तो जानना चाहेंगे कि किसान जो है उसकी उन्नति के लिए, उसकी आय वृद्धि के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, कई तरह के विकल्प भी किसानों को सुझाए जा रहे हैं जिन्हें वो अपना सकते हैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए। ऐसे में एकीकृत कृषि क्या है जिन्हें वो अपना सकते हैं? धन्यवाद। जैसा कि आपने एकीकृत मतलब कृषि के साथ यानी फसल उत्पादन के साथ जब हमारे किसान भाई पशुपालन, मछली पालन या बकरी पालन, उसके बाद जो मधुमक्खी पालन, बहुत सारे बागवानी, कई आयामों के लेकर चलते हैं, तो इसका मतलब जो काम एकीकृत होते इकट्ठे होते हैं तो उनकी आय भी इकट्ठी ज्यादा वृद्धि होती है जी। तो बहुत पहले से ये प्रयास चलता रहा है कि किसानों की किस तरीके से आय वृद्ध हो और उनके जो सडनली नुकसान हो जाते हैं, जैसे एक ही फसल करते हैं वो फसल यदि मौसम से बर्बाद हो गई या उसका रेट कम मिला तो उनका नुकसान से बचाने के लिए ये एकीकृत हुआ। दूसरा ये हुआ कि उनको साल में पूरे समय काम मिले और दाम मिले, यानी आय भी लगातार होती है क्योंकि क्रॉप ऐसा होता है 6 महीने में आती है, उसके बाद कुछ दिनों तक वो काम नहीं मिलता उनको और कोई काम न होने के कारण उनकी रेगुलर उनकी आमदनी भी नहीं होती। दूसरे तीसरे ये होती है कि जो पहले से ये किसान करते रहे हैं वो करते थे, लेकिन अभी जो बात चल रही है कि किस तरीके से उनको वैज्ञानिक यानी प्रोफेशनलिज्म आए जी, जिससे प्रोफेशनलिज्म से उनकी आय में ज्यादा वृद्धि हो। आय तो वृद्धि होगी लेकिन ज्यादा से ज्यादा वृद्धि कैसे हो, ये प्रयास जो है एकीकृत खेती से अभी किए जा रहे हैं और सरकार का ये मानना है कि इससे उनकी आय बढ़ाने में दोगुनी या और बढ़ाने में ये उनके सहयोगी होगी। बिल्कुल। तो इस तरह से एकीकृत कृषि किस तरह से आप कर सकते हैं, किस तरह का मॉडल आप अपना सकते हैं, इसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट।
यहाँ तो देखा आपने कि एकीकृत कृषि प्रणाली को अगर आप अपनाते हैं तो आपको किस तरह से काफी लाभ हो सकता है और इसके लिए कई सारे विकल्प भी आपके पास मौजूद है कि किस तरह की प्रणाली आप अपनाना चाहते हैं वो आप अपना सकते हैं और इससे अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो जिस तरह से बताया गया है कि एकीकृत कृषि प्रणाली में कई तरह के घटक हैं जिन्हें आप शामिल कर सकते हैं, उन्हीं में से एक घटक जो है वो कृषि वानिकी भी है और कृषि वानिकी के बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। डॉक्टर सुनील कुमार, आपसे चाहेंगे कि जिस तरह से एकीकृत कृषि प्रणाली में बात कर रहे हैं कि जो कृषि वानिकी है उसे भी जोड़ा जा सकता है, यानी कि जो कृषि वानिकी है वो भी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार हो सकती है, तो किस तरह से कृषि वानिकी मददगार हो सकती है किसानों के लिए और क्या अर्थ है कृषि वानिकी का, इसके बारे में हमें समझाएं। किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि कृषि वानिकी का जो मतलब है कि क्रॉप के साथ साथ में हम कुछ ऐसे प्लांट जो न केवल किसान की आमदनी बढ़ाए, इसके अलावा हमारे मृदा की उर्वरता और हमारे क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यू को भी एड्रेस करें। जी, तो हमारे जो उत्तर भारत में है इसके लिए हम यूकेलिप्टस, पॉपुलर और मीडिया जैसी स्पीसीज को क्रॉप के साथ में लगाते हैं। जैसे कि इस समय भारत में रवि, खरीफ और जायद क्रॉप की फसल होती है। बिल्कुल। तो रवि, खरीफ और जायद क्रॉप की फसल के साथ साथ में नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर और यूकेलिप्टस के साथ साथ क्रॉप लगाई जाती है और ये पाया गया है कि इनके 5 या 7 साल के साइकिल में किसान को 12 से 14 लाख रुपए की अतिरिक्त आय हो जाती है। जी। इसके जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का गोल है कि हम फार्मर की इनकम डबल करें, उसमें भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। और अंत में जो हमारे देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015-30 है, उसमें भी फार्मर एक आगे आके अपना अमूल्य योगदान दे रहा है। बिल्कुल। तो इसी तरह से कृषि वानिकी के बारे में भी आगे भी और विस्तार से हम बातचीत करेंगे, आप हमारे साथ बने रहे हैं डॉक्टर सुनील कुमार। और फिलहाल आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। यहाँ तो ये रिपोर्ट आपने देखी कृषि वानिकी पर और एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे कि इसके तो कई लाभ है, जैसे किसानों की आमदनी भी काफी बढ़ती है लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत ही लाभदायक है। तो किस तरह से, मैं चाहूंगी कि आप कुछ उदाहरण के जरिए हमें बताएं कि किस तरह से जो पर्यावरण की दृष्टि से जो एकीकृत कृषि प्रणाली है उसे किसानों को अपनाना चाहिए और इससे लाभ होता है। डॉक्टर दुबे, पर्यावरण में ये है कि पौधे ज्यादा से ज्यादा हों और जो हमारी लैंड है, जो भूमि है, वो ज्यादा से ज्यादा दिनों तक
पौधों से आच्छादित रहे, यानी लैंड खाली कम रहे और पौधों से आच्छादित रहे। तो जब हम बागवानी के साथ उसमें जो बीच में जगह है उसमें हम फसल उगाएंगे तो वो ज्यादा होगी। दूसरा बात यह है कि जैसे हम पशुपालन इसके साथ करते हैं, तो जब हम पशुपालन करेंगे तो उसकी जो गोबर की खाद होगी वो जो गोबर की खाद होगी वो हमारी सॉइल में डाली जाएगी। सॉइल हेल्थ के लिए जो पर्यावरण के बहुत बड़ा एक वो है कि जो सॉइल हेल्थ है उसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो टॉक्सिसिटी है वो पानी में जो हम केमिकल्स ज्यादा डाल रहे हैं, खादें ज्यादा डाल रहे हैं, तो टॉक्सिसिटी पानी में भी आ रही है, जमीन में भी आ रही है, जो हमारे बैक्टीरिया लाभदायक थे जो नाइट्रोजन खींचते थे वो भी खत्म हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि आदमियों पे भी उसका असर पड़ रहा है और पानी में भी उसका हो रहा, तो वाटर का पर्यावरण वो खराब हो रहा है, वायु का भी हो रहा है और भूमि का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो इससे कई चीजें ऐसी है जो इन एक दूसरे पे लाभदायक होती है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जो हमारी प्रणाली ये है उसमें कम से कम हम केमिकल का भी यूज करें, जिससे हमारा जैसे डेयरी का हमारे साथ चले या बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, तो एक दूसरे से ये लिंक है और पर्यावरण को शुद्ध करने में, उत्पादन को बढ़ाने में एक दूसरे पर निर्भर भी है। जी, तो हमारा ये किसान भाइयों से निवेदन है कि और इसमें सरकार की योजनाएं भी आई हुई है, बहुत अच्छा अभी दिया है मछली पालन के लिए, डेयरी के पालन के लिए बहुत अच्छी योजनाएं अभी दी है, मधुमक्खी पालन के लिए बहुत अच्छी सरकार ने योजनाएं दी है। तो किसान इन योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं और उनसे जो है लाभ उठा करके अपनी आमदनी को वो बढ़ाए। इसके बाद प्रोसेसिंग में भी बहुत सारा उन्होंने लाभ दिया है, वो भी एक भाग होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग का। सारे किसान लोग ज्यादा उत्पादन करके और मूल संवर्धन करें, वो भी एक चीज है। बिल्कुल डॉक्टर दुबे, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। संजीव कुमार जी रायपुर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ हैं। संजीव जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। माफ कीजिएगा, रामपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव जी। संजीव जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी नमस्कार संजीव जी, जी पूछिए अपना सवाल। अच्छा ठीक है, जानते हैं, हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार जुड़े हुए हैं, उनसे ये सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार, अगर आपने सुना कि जो संजीव जी हैं वो जानना चाहते हैं कि चंदन की खेती वो करना चाहते हैं तो कब शुरू कर सकते हैं, और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो अगर इस लिहाज से आप उनको जवाब देना चाहें। चंदन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्लाइमेट इस समय आंध्र प्रदेश के पांच डिस्ट्रिक्टों का है। अच्छा, तो फिर भी वर्तमान समय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चंदन की खेती की डिमांड बढ़ रही है। इसकी जो कलम और बीज है वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के अलावा राज्य स्तर के विभिन्न जो फॉरेस्ट के रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनमें मिलता है। परंतु मेरा किसान बंधु से निवेदन है कि चंदन की खेती है उसके लिए ऑप्टिमम क्लाइमेट यूपी का नहीं है, इसीलिए प्राचीन काल से लेकर अभी तक कभी भी चंदन की खेती इस एरिया में नहीं की गई है। स्थिति होती है कि चंदन की खेती है वो केवल आंध्र प्रदेश के पांच या छह जिलों में होती है, और हम केवल उन्हीं एग्रो फॉरेस्ट्री की ट्री को लो जो हमारे एरिया में और हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सुटेबल हो, क्योंकि चंदन की खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेग्रेंस। बिल्कुल, अगर आपकी टिम्बर में फ्रेग्रेंस नहीं आएगी तो उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो उत्पाद है आपका उसकी जो गुणवत्ता है वो बेहतर होनी चाहिए, तभी उसका जो वाजिब भाव है वो आपको मिल पाएगा, तभी आपका जो ये व्यवसाय है वो सफल माना जाएगा। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है संजीव जी कि आपके सवाल का जवाब भी मिल गया है और एक अच्छा सुझाव भी मिला है, तो एक बार दोबारा जरूर आप विचार करें चंदन की खेती करने के बारे में। बहरहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे और बातचीत हमारी जारी रहेगी। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। हेलो किसान में आज हम एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में और इसके साथ ही कृषि वानिकी और औषधीय पौधों की खेती के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ मेहमान भी जुड़े हुए हैं और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर का सवाल यहाँ शामिल करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं केशव जी दरभंगा बिहार से। केशव जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो केशव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी नमस्कार, आम लगाना चाहते हैं? जी आम और कटहल लगाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, इसके बारे में अच्छा वैरायटी का हमें पौधा कहाँ से लिया जा मिल सकता है और हमें क्या जी जी बिल्कुल। डॉक्टर दुबे आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? हाँ बहुत अच्छा केशव प्रसाद जी, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि आपको कहाँ से राय मिलेगी। एक जिला उद्यान अधिकारी हर जिले में एक होता है, जिला कृषि अधिकारी के आसपास ही कहीं वो बैठे होते हैं, उनका ऑफिस होता है जिला उद्यान अधिकारी। आप किसी से पूछेंगे आप वहाँ जाएंगे तो आपकी ये प्लानिंग भी बनवा लेंगे, आपको पौधा भी मिलेगा वहीं से दिलवाएंगे अच्छे प्रजाति के, और आपको सब्सिडी का भी स्टेट का उसको मिलेगा। दूसरा ये है जब आम के पौधे लगाना चाहते हैं तो आम की कई वैरायटी होती है। एक जैसे छोटी वैरायटी है जैसे आम पाली समझ लीजिए, और उसके बाद आप उधर लगाना चाहते जैसे चौसा लगा लीजिए या पूसा की वैरायटी लगा लीजिए। तो हमारा एक है कि जब सबसे पहले आप धूप का लीजिए तो जैसे आप उत्तर में सबसे देसी वैरायटी लगा दीजिए, बड़ी बड़ी जो है जिसमें अचार की वैरायटी है जो आपके क्षेत्र में मिलती हो, है ना, तो जिसमें अचार होता है जो देसी वैरायटी है, सॉरी तो देसी वैरायटी को आप लगाइए उत्तर साइड में, तो जो बड़े होंगे तो आंधी आएगी तो आपको कम नुकसान होगा। दूसरा उसके बाद जो मीडियम साइज में है, मान लो चौसा है या उधर लंगड़ा भी हो सकता है, लंगड़ा है, उसके बाद सबसे छोटी जो आगे है तो जो पूरब और पश्चिम साइड में आपके आता है वहाँ पर छोटी वैरायटी लगाइए आम की, तो धूप सारे पौधों को मिलेगी और सारे जो है उसमें अच्छी फलक आएगी। दूसरा इसमें फिलर के रूप में भी आप कटहल तो आपको अलग ही लगाना पड़ेगा, फिलर के रूप में आप सिट्रस के जैसे आप नींबू के पौधे लगा सकते हैं बीच बीच में, जैसे आपको जैसे आम्रपाली है तो इसके लिए कम दूरी पर आप लगाएंगे पौधे, लेकिन जो बड़े हैं तो आपको आपको करीब 5-10 मीटर तक की दूरी लेना पड़ेगी चौकोर में। तो आप ऐसा करेंगे कि जो बीच बीच में जगह होगी उसमें नींबू का पौधा भी लगा सकते हैं, और कुछ सालों तक आप सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप पपीता लगा लें। अच्छा, और पपीता की जो आय होगी वो बहुत अच्छी होती है, एक साल में आपका पौधा आ जाएगा। जो ड्वार्फ वैरायटी है जो छोटी बढ़ने वाली हो और पपीते की, तो ये पूसा से आपकी बहुत सारी अच्छी वैरायटी निकली हुई है और दूसरी वैरायटी है, आप देख लीजिए आपके क्षेत्र में कौन सा बीज अवेलेबल है, वो पौधा अवेलेबल है, और उसमें अगर थोड़ा सा पानी कम देंगे तो ड्वार्फ रहेगी और अच्छी फलक देगी। तो 2-3-1 साल बाद आपको पपीता की मिलने लगेगी, फिर आपको नींबू और 3-4 साल बाद आम मिलना पड़ेगा। यही कटहल में भी है, कटहल में भी छोटी कुछ वैरायटियां हैं जो छोटा फल देती है, कुछ बड़े फल देती है, और जो शहरों और डिमांड ज्यादा है वो छोटे फल की ज्यादा है, क्योंकि बड़ा फल लोग नहीं लेते हैं और छोटे फल का अच्छा है।
तो आप देख लीजिए तो अपने क्षेत्र में किस तरह की मांग है उसको देख लें और उसके अनुसार ही आप वैरायटी का चयन करें। सॉइल टेस्टिंग भी पहले करवा लें। जी जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। तो केशव जी, मुझे उम्मीद है कि इन सुझावों पर जरूर आप अमल करेंगे, क्योंकि बहुत ही विस्तार से यहाँ पर डॉक्टर दुबे ने आपको सुझाव दिया है कि किस तरह से ये जो पूरा मॉडल है आप तैयार कर सकते हैं और इससे साल भर लगातार आपको किस तरह से आमदनी हो सकती है। आइए अब रुक करते हैं हमारे अगले मेहमान डॉक्टर सुनील कुमार का। डॉक्टर सुनील कुमार, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कृषि वानिकी के बारे में, हमें कुछ और विस्तार से जानकारी दीजिए। देश जो है हमारा वो बहुत ही विविधता से भरा हुआ है, यहाँ की मिट्टी है, जलवायु है, तो ऐसे में कृषि वानिकी में जिस तरह के पेड़ों का चुनाव किसान करते हैं तो किन बातों का वो ध्यान रखे, किस तरह के सिस्टम है कृषि वानिकी के, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताइए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है कि जो वानिकी की जो आउटपुट है उसका मार्केट कहाँ है। जी जी, जैसे कि उत्तर भारत के ज्यादातर जिलों में पॉपुलर और यूकेलिप्टस का मार्केट है। पॉपुलर और यूकेलिप्टस का रोटेशन साइकिल भी छोटा होता है, जैसे पॉपुलर को आप 7 से 8 साल के बीच में हार्वेस्ट करते हैं। जी, इसके अलावा यूकेलिप्टस को आप 4 साल के और 8 साल के दोनों पे हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर दूसरी कंडीशन ये रखनी है कि आपको जो सैपलिंग लेनी है वो सर्टिफाइड सैपलिंग लेनी है। तीसरी कंडीशन है कि आपको प्रॉपर स्पेसिंग का फॉलोअप करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी कीट इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक है उससे पादप को बचाना है, और हमें ज्यादा पैदावार लेनी है तो मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग को फॉलो करना है। जैसे कि दूसरे साहब ने बताया कि आम और लीची है वो हम बीच में लगा सकते हैं, नीचे की शॉप पे हम हल्दी आलू गेहूं लगा सकते हैं, ठीक है, ऊपर ही ऊपर हम यूकेलिप्टस और पॉपुलर लगा सकते हैं। जी, जिससे उत्पादकता प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर कई गुना बढ़ जाती है, फार्मर को काफी ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, आगे और भी जानकारी लेंगे हम आपसे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। रविंद्र कुमार जी झुंझुनू राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार, जी बिल्कुल, आइए जानते हैं डॉक्टर दुबे बताएं किस तरह की योजना है इसके लिए। विशेष रूप से अभी एकीकृत खेती के लिए कोई भी ऐसा वो नहीं आया, लेकिन अलग अलग जैसे आपका डेयरी का है, मछली पालन के लिए है, मधुमक्खी पालन के लिए है, फिश के लिए है, सबके लिए अलग अलग है। तो आप जितना आपका मान लो जितनी जमीन है आपकी, जो भी जमीन है, मान लो 2 हेक्टेयर जमीन है या 1.5 हेक्टेयर जमीन है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको उसका एक प्लान आपको देता हूँ। जैसे मान लो 1.5 हेक्टेयर जमीन है और आपके पास पानी है, तो यदि पानी है तो आप मछली के साथ साथ आप बकरी पालन, गाय और भैंस पालन, प्लस मधुमक्खी पालन, बाउंड्री पे आप कोई भी जैसे पपाया का आपके पपीता हो जाएगा, दूसरी बात नींबू हो जाएगा, तीसरी बात इसके साथ साथ ही यदि आप पे ज्यादा पानी है कहीं तो आप इसके साथ धान भी क्योंकि राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि पानी की उपलब्धता कम है, यदि कम वैसे है तो आप बागवानी है ना, बाग के पौधे प्लस मधुमक्खी पालन प्लस डेयरी प्लस क्रॉप, ये तीनों का है अलग ले सकते हैं। और इसको जैसा हमने अभी बताया कि जैसे बड़ी वो है वाले आम के पौधे जो ज्यादा दूर पे लगाने, मान लो देसी आम है तो 10 मीटर से कम तो नहीं लगेंगे, तो उसके बीच बीच में आपको पपीता है, दूसरी पौधे फसलें कोई फसल ले सकते हैं, आप आलू ले सकते हैं, आप प्याज ले सकते हैं, आप हल्दी ले सकते हैं, आप मेडिसिन प्लांट की राजस्थान में मेडिसिन प्लांट भी हो सकता है, एलोवेरा भी हो सकता है, सफेद मूसली भी हो सकती है, चिरायता भी हो सकता है, नींबू ग्रास भी हो सकती है, तो मेंथा भी हो सकता है अगर आपकी काली मिट्टी थोड़ी सी है तो, चिकनी मिट्टी है तो वहाँ पर वो करें, तो आप थोड़ा सा ये अपने कृषि तो एक किसान एक घटक के साथ साथ बाकी घटकों के लिए भी एक साथ क्या योजना से लाभ ले सकते हैं, आप अलग अलग से ले सकते हैं आप जी। कोई बात नहीं, आप जैसे 20 भैंसे पालने चाह रहे हैं तो 20 भैंसों का वो ले लीजिए, आप जो मधुमक्खी पालन करना चाह रहे हैं तो KBI से खादी ग्राम उद्योग से आपको उसके बॉक्स मिल जाएंगे, उसके बाद बॉक्स के बाद आपकी ट्रेनिंग मिल जाएगी, ट्रेनिंग के बाद जो उत्पाद होगा शहद का भी और बैग्स का भी, बैग्स का भी इस समय बहुत अच्छा मूल्य मिल रहा है, वो बिक्री की आपको कोई दिक्कत नहीं,
खादी ग्राम उद्योग की स्कीम है वहीं से आपका अच्छा आपको पैसा मिल जाएगा। तो मार्केटिंग की ये भी ध्यान रखना है कि जो काम करना है उसको भी देखना कि ये बिकेगा कहाँ पर और कितने में बिकेगा। तो दोनों और मधुमक्खी पालन तो ऐसा है कि आप चाहे बागवानी करें चाहे कोई फसल करें चाहे कुछ भी करें आप उसको बागवानी के साथ तो दोनों ही लाभ होंगे, वो भी मिलेगा और आपकी फसल उत्पादन भी बढ़ेगा, वो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। बिल्कुल। तो रविंद्र जी मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर सुनील कुमार आपसे जानना चाहेंगे, अभी अभी जैसे कि आपने जिक्र किया था कि जो पॉपुलर यूकलिप्टस है कृषि वानिकी में इसे काफी बड़े पैमाने पर जो किसान है उत्तर भारत के उसे अपना सकते हैं, कैसे लगाएं और इसके लिए क्या किस्मों का चुनाव में यहां भी ध्यान रखने की जरूरत है और लगाते समय पेड़ों की दूरी कितनी होनी चाहिए और किस तरह से उसकी देखभाल करें इसके बारे में हमें बताएं। किसान बंधु को सबसे पहले पॉपुलर के बारे में बताना चाहूंगा जी। पॉपुलर की तो इस समय जो हमारी हाइब्रिड वैरायटी है वो 107 विंटों की 107 108 109 110 है। उनको पॉपुलर को जनवरी और फरवरी के महीने में 45 सेंटीमीटर का घन सेंटीमीटर का गड्ढा खोद के उससे जो बाहर मिट्टी निकली है उसमें हमें गोबर की खाद बीएचसी पाउडर सिंगल सुपर फास्फेट मिला के पौधे को उसमें लगाने के बाद में मिट्टी को टाइट करना है ताकि एक गड्ढा टाइट हो पाए। इसके अलावा जो स्पेसिंग रखनी है वो हमें 5x4 मीटर की रखनी है ताकि प्लांट को ग्रोथ की ऑप्टिमम कंडीशन मिल सके। इससे क्या होगा कि जो हमारा वुड है जो 6 या 7 साल बाद हार्वेस्ट होता है 80 से 90 सेंटीमीटर की मार्केट डिमांड ज्यादा होती है, फार्मर को 1 लाख से 2 हजार रुपए के अनुसार प्रॉफिट मिल जाता है। यूकेलिप्टस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप केवल उसी एरिया में लगाएं जहां जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। बिल्कुल। यूकेलिप्टस की जो किस्म है वो आईपीसी प्रचलन की 316 411 413 है। तो यूकेलिप्टस को हम खेत के मेड़ पे 3x3 मीटर की स्पेसिंग पे लगाए, बीच में 4x4 मीटर की स्पेसिंग पे लगाए। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि पॉपुलर में आप वाटर लॉगिंग न होने दें, साथ साथ में प्राइमरी प्रूनिंग करें। जी जी डॉक्टर सुनील कुमार यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर हम शामिल कर लेते हैं। राहुल कुमार जी मुंगेर बिहार से इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राहुल जी स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। जी नमस्कार जी। राहुल जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। ठीक है अच्छा, क्या समस्या आई कुछ अगर और विस्तार से बता पाए। ठीक है। जी जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सुनील कुमार से भी इसका हम जवाब ले ले। डॉक्टर सुनील कुमार आप क्या सुझाव देंगे ऐसे में, क्योंकि जैसे औषधीय पौधे हैं उसकी खेती कर तो ले किसान, लेकिन बाजार की जो उपलब्धता है वो एक बड़ा सवाल रहता है किसानों के सामने, ऐसे में क्या सुझाव देंगे आप। किसान बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जो औषधीय पौधे सेलेक्ट करें वो सेम एग्रोक्लाइमेटिक जोन के करें, वर्तमान परिस्थिति में औषधीय पौधों का लार्ज स्केल पे हमारा मार्केट अवेलेबल नहीं है। उत्तराखंड के जैसे पतंजलि है वो लार्ज मार्केट है या कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी लार्ज मार्केट है। तो फार्मर साथ साथ में जो एग्री डेवलपमेंट बोर्ड है उनसे संपर्क में रहे जब लगाए पर, ताकि जब उनकी उपज हो तो एग्री डेवलपमेंट बोर्ड है वो मेडिसिनल प्लांट की उपज को उठा सके। अंततः जब तक उपज मार्केट में नहीं उठेगी तब तक फार्मर को फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ ही बिहार के लिए क्या आप सुझाव दे सकते हैं कि तुलसी के अलावा और किस औषधीय पौधे की खेती वो कर सकते हैं बेहतर रहेगा उनके लिए। बिहार में तुलसी के अलावा गिलोय पत्थर चट्टा एलोवेरा और कारू तुलसी है, इनकी काफी ज्यादा जी बिल्कुल। डॉक्टर दुबे आप भी यहाँ पे कुछ सुझाव देना चाहेंगे। मेरा एक जो भी किसान हमारे मेडिसिनल प्लांट करना चाहते हैं इससे मेरा एक ही निवेदन पूरे देश को कि जब भी कोई भी क्रॉप करे तो ये देखें कि उस एरिया में कितने और लोग कर रहे हैं।
यदि अकेले करेंगे उनको मार्केट नहीं मिलेगा और यही फेल्योर हुआ बहुत सारे मध्य प्रदेश में भी यही फेल्योर हुआ, हर जगह यही फेल्योर होता है कि अगर अकेले करेंगे नहीं होगा, अगर वो कोऑपरेटिव के बेस पर या किसान संघ के बेस से या किसान के यूनियन के कम से कम 100-200 इतना जो क्वांटम ज्यादा मिले, तो जब क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी तो जो भी आपकी चाहे वो डावर हो चाहे पतंजलि हो चाहे दूसरे हो वो आपको आप जब अपने आप इसमें आप ई मार्केटिंग का वो करिए, आप उसमें अपने कंप्यूटर पे डालिए, तो उत्पाद की गुणवत्ता के साथ साथ आपको मात्रा का भी ध्यान रखना होगा। जब आप बड़े पैमाने पर खेती करेंगे तभी जो है आपको बाजार मिल पाएगा, इसलिए इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें। बहरहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो किसान में। आज हम एकीकृत कृषि प्रणाली और इसके साथ ही कृषि वानिकी और औषधीय पौधों की खेती के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। ये ऐसे विषय हैं जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो फिर आप अपनी आमदनी में काफी इजाफा कर सकते हैं। ऐसे में इन विषयों के बारे में अगर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके, और साथ ही विशेषज्ञ मेहमानों से आप राय ले सकते हैं। बातचीत को यहां पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर दुबे आपसे जाना चाहेंगे एकीकृत कृषि प्रणाली के कुछ और मॉडल के बारे में हमें बताएं जैसे किसान अपना सकते हैं, खासतौर पर अगर हम बात पूर्वोत्तर की करें तो पूर्वोत्तर के क्षेत्र में किस तरह से कर सकते हैं। देखिए पूर्वोत्तर में दो तीन फसलों के साथ पहले मैं बता रहा हूँ, दूसरे तरीके से जैसे अभी धान है, धान के साथ मछली पालन आराम से किया जा सकता है। उसके दो तीन मॉडल है कि एक तो ये है कि बीच में धान की फसल करें, खेत के चारों तरफ बाउंड्री में वो एक ट्रेंच बना दे थोड़ी सी गहरी, एक दो फुट ढाई फुट गहरी, और बीच में जो है वो धान की फसल है। दूसरा ये है कि बीच में तालाब हो, धान की फसल किनारे हो, है ना जी जी, ये हो। और एक तीसरा मॉडल ये है कि धान की कुछ दो तीन मीटर धान का, फिर दो तीन मीटर का मछली पालन के बीच में, फिर धान फिर मछली पालन, ये तीन मॉडल
धान के साथ भी किए जा सकते हैं जी। जो अभी धान की फसल चूक लगा रहे हैं किसान भाई, तो उसके साथ बीच बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ के और कर सकते हैं। और इसमें ध्यान ये रहे कि जो मछली की वैरायटी वो लें वो हो जो उतले पानी में रह सकती है और टेम्परेचर भी कर सकती, क्योंकि 1.5-2 फुट पानी धान में हो सकता है जी। तो उतले में रहे और टेम्परेचर को भी सहन कर सकते। बिल्कुल, देखिए पूर्वोत्तर का हम जिक्र कर रहे हैं और अगले कॉलर पूर्वोत्तर से ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, इनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। आदर्श जी इस वक्त हमारे साथ डिब्रूगढ़ असम से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका आदर्श जी, पूछे अपना सवाल। आदर्श जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी पूछिए। अच्छा ये जानते हैं, डॉक्टर सुनील कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम कृषि वानिकी के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर सुनील कुमार बताएं हमें, क्या असम में सीसम की खेती की जा सकती है? सीसम की खेती के लिए शिवालिक के पूरे पहाड़ एक अनुकूल क्षेत्र है, आसाम है वो एक इम्पोर्टेंट सीसम की खेती का क्षेत्र है, लेकिन किसान बंधु के सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीसम की टिम्बर का मार्केट वहाँ अवेलेबल है या नहीं है। जी जी, जो हम सीसम की जो टिम्बर की 8-10 साल का साइकिल होता है, सीसम की खेती के समय सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें टिम्बर जो उसको कहते हैं टर्माइट टिम्बर सीसम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टिम्बर की है। तो अगर क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया की सोइल है वहाँ दीमक का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सोइल में दीमक का प्रकोप नहीं बढ़ रहा, तो हमें दीमक नाश की टर्माइट लाइक क्लोरोपायरीफॉस का उपयोग करते हुए सिस्टम का डिफरेंट स्पेसिंग प्रॉपर स्पेसिंग के साथ में हम एडॉप्ट कर सकते हैं। साथ साथ में नॉर्थ के भाई है वो बांस का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि बांस से एसोसिएटेड इंडस्ट्री काफी ज्यादा उस क्षेत्र में। बिल्कुल बिल्कुल, आप कीट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे दीमक की एक समस्या हो सकती है, इससे पहले जैसे कि हम पॉपुलर और यूकलिप्टस की बात कर रहे थे, क्या इनमें भी किसी तरह की कीट बीमारियों की समस्या आ सकती है, किस तरह से रोकथाम करें, क्या सुझाव देंगे आप? जैसे कि पॉपुलर में दीमक, पॉपुलर और यूकलिप्टस दोनों में दीमक है, तो दीमक से बचने के लिए क्लोरोपायरीफॉस का 2-3 ml का घोल 1 liter पानी में बना के प्लांट लगाते समय और 15-15 दिनों के अंतराल में डालते रहना चाहिए। इसके अलावा पॉपुलर में एक तना छेदक कीट होता है जी। वो तना छेदक कीट है पॉपुलर के स्टेम को होलो बना देता है, तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उस छेद में मिट्टी का तेल, क्योंकि मेरा ये मत रहता है कि किसान को लोकली अवेलेबल सोल्यूशन ज्यादा यूज करने चाहिए, मिट्टी का तेल या पेंटाक्लोरोबेंजीन का सोल्यूशन डाल के उसको चिकनी मिट्टी से बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा पॉपुलर और यूकेलिप्टस में पॉपुलर में कभी कभी पत्तियां खाने वाला कीट भी होता है। अच्छा, पत्तियां खाने वाले कीट को नष्ट करने के लिए मेटासिस्टो डिफरेंट टाइप के इंसेक्टिसाइड का 3-4 ml का डोज पर लीटर पानी में डालना चाहिए, परंतु अगर सोइल की गुणवत्ता अच्छी हो तब कीटों का प्रकोप कम रहेगा। इसके अलावा आपको हेल्दी प्लांटिंग मटेरियल लेना चाहिए, दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल, आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दुबे हमें ये बताएं कि अब रुक कर लेते हैं हम दक्षिण भारत का, वहां के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली के किस मॉडल का सुझाव आप देंगे हमारे किसानों को? देखिए केरला में और असम में और ये पूर्वोत्तर में जो जिले मेनली असम का और तो यहाँ पानी भी है जी। और पानी के साथ क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है जिसमें आपका इंटीग्रेटेड जो एकीकृत प्रणाली है उसमें मछली प्लस मछली का जो सीड प्रोडक्शन प्लस गाय बकरी और भैंस प्लस जो बाउंड्री पर है वो आपका जैसे असम में आप सुपारी लगा सकते हैं और पपाया लगा सकते हैं, उसी तरीके से केरल में जो है आप गरी के पेड़ लगा सकते हैं, पाम के पेड़ लगा सकते हैं। तो इस तरीके से एक हम जैसे मैंने अभी दोनों जगह पे मेरे एक हमने एक्सपेरिमेंट किया है जिसको हम पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं, पहले हम एक्सपेरिमेंट करते फिर रिप्लिकेशन करते। जैसे असम में मैंने करीब 1.5 hectare में एक किया, तो उसमें क्या है कि हमें 1 hectare में मछली पालन है, आधा हेक्टेयर में क्या नाम उसका सीड जो बना होगा वो पूरे जिले में आसपास के जिलों में बटेगा, उसके बाद उसमें गाय और बकरी का पालन है, बतख पालन है, मुर्गी पालन है, उसके साथ साथ उसके बाउंड्री पे जो है वो सुपारी है
उसके बाद ये पपाया है, उसके बाद दूसरे बड़े पौधे हैं जो थोड़ी सी देर में फल देंगे, और इसमें एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। उसके साथ ट्रेनिंग सेंटर में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो जो गांव में प्रोडक्ट होते हैं उससे वो प्रोसेसिंग के छोटी छोटी चीजें बनाएंगे। तो एक पूरा कम्पैक्ट पायलट प्रोजेक्ट है, और ये हम एक किसान के पास यदि खेती नहीं है तो दो तीन किसान मिलकर के करें जी, और इससे 15 से 20 लोगों को लेबर का जितना होता है बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन रेगुलर लेबर 30 दिनों उसको लेबर का जितना पैसा मिल सकता है उसका एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन ये आराम से लेबरी को देख। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन मॉडल का जिक्र यहाँ पर आपने किया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं दीपक प्रजापत जी, और ये हमारे साथ दौलतपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। दीपक जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। अच्छा, आप औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं और इसके लिए जानना चाहते हैं खाद उर्वरकों का इस्तेमाल किस तरह से करें जी। डॉक्टर सुनील कुमार बताएं, हमारे साथ दीपक जी कॉलेज जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से, और ये औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं, क्या सुझाव देंगे, कौन कौन से औषधीय पौधे हैं जिनका चुनाव ये कर सकते हैं? तो किसान बंधु ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि कौन सी खाद का उपयोग करें जी। तो सबसे पहले जरूरी है कि लोकली अवेलेबल गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है तो उसका उपयोग करें, क्योंकि जो गोबर की खाद है वो सोयल की उर्वरता को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इसके अलावा वहाँ जो उपयोगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको भी बढ़ाता है जी। इसके अतिरिक्त जो किसान बंधु है वो सोयल का टेस्ट कराए, अगर जहाँ जिंक की कमी हो वहाँ जिंक सल्फेट यूज करें, अन्यथा पूरे भारत में नाइट्रोजन की कमी रहती है तो हम यूरिया डीएपी का उपयोग कर सकते हैं जी। जो तीसरी बात आपने पूछी कि कौन सी स्पीसीज का चयन करें, तो इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश में एवरेज टेम्परेचर 25 से 35 के बीच रहता है जी। तो इसमें हमें सेमी एरिड जोन की मेडिसिनल प्लांट है जैसे की पत्थरचट्टा, तुलसी की डिफरेंट वेराइटी और एलोवेरा का यूज करें। परंतु अंततः मेरे को किसान बंधु का कहना यह है कि आपको मार्केट की एक्सेसिबिलिटी जरूर देखनी है। बिल्कुल, अगर आपके पास जिस स्पीसीज का मार्केट है वही करें, जी बिल्कुल। जो कृषक उत्पादक संगठन है अगर आप बना लेते हैं तो आपकी जो मार्केटिंग से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसका निदान हो जाता है। बहरहाल इसी के साथ हेलो किसान में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। Thank you.
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर दुबे, इस कार्यक्रम में आपने बहुत ही बेहतरीन एकीकृत कृषि प्रणाली के अलग अलग मॉडल का जिक्र किया, जिसको अगर अपनाते हैं किसान तो उन्हें काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। पूरे साल भर जो उनकी आमदनी है वो किसी न किसी रूप में उनको आती रहेगी। लेकिन इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि इस दौरान किन बातों का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी तरह के नुकसान की गुंजाइश न हो। हाँ, पहला मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन है कि जो भी काम वो करना चाहते हैं जी, तो उसके उत्पादन कितना होगा और जो भी चाहे वो सहकारी सोसाइटी बना के या फार्मर्स क्लब बना के या सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के वो उत्पादन को इकट्ठा मार्केटिंग के लिए बेचने की व्यवस्था पहले सोच लें। दूसरी बात, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, चाहे मछली पालन हो या वो पशुपालन हो, तो इनकी टेक्निकल ट्रेनिंग के व्यवस्था के लिए वो पहले ट्रेनिंग करें सभी ग्रुप में, और उस ग्रुप के बाद तब उसके उसके उत्पादन की शुरुआत करें। और दूसरी ये है कि हमें फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। उस पहले कुछ किसान क्या होते हैं, पहले कुछ इन्वेस्टमेंट अपना करते थे, फिर फाइनेंस के बारे में सोचते हैं, फिर संपर्क करते हैं, तब तक बीच में गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पहले संपर्क करें कि हमारा ऋण हमें कहाँ से मिलेगा, कितना पैसा लगेगा इस प्रोजेक्ट बनवाने, और उसमें आपके पास कितना है, 10% या 20% कितना चाहिए, वो पहले उसका व्यवस्था कर लें। ऐसा नहीं कि आपने 20% लगा दिया, कि पूंजी की व्यवस्था पहले कर ली उसके बाद से शुरू करें ताकि उससे नुकसान नहीं होगा। और मार्केटिंग के लिए अपने जो यूथ है आपके गांव के उनको जोड़िए और ई मार्केटिंग के साथ जोड़िए। वो कंप्यूटर के एक्सपर्ट होते हैं और वो उन्हें पता रहेगा कि कहां पर हम जो है मार्केट करेंगे, वहां अपना कैसे सैंपल दिखाएंगे, कौन कौन सी कंपनियां हैं। बिल्कुल, तो नए जमाने के साथ चलिए, जो युवा है उनको जोड़िए अपने साथ और इससे आपको फायदा ही होगा। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनव जी उत्तर प्रदेश से, आइए उनसे बात करते हैं। अभिनव जी स्वागत है आपका, पूछे क्या जानना चाहते हैं आप? मैम मुझे पॉपुलर के कल्टीवेशन के बारे में पूछना था। कोई खास सवाल? हाँ जी, पॉपुलर के कल्टीवेशन के बारे में पूछना था कि जो खेत की बाउंड्री पे लगा गेट लगा जी, जी, जी। पॉपुलर के बारे में जानना चाहते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार उत्तर प्रदेश से अभिनव जी का सवाल है, वो पॉपुलर की खेती के बारे में जानना चाहते हैं। तो कोई, आपने काफी बातें यहाँ पर बता दी है जो पॉपुलर की खेती से संबंधित है, लेकिन कोई खास सुझाव देना चाहेंगे आप इन्हें? जो चार साल में इनकी शुरू के चार साल में जो इंटर क्रॉपिंग लेनी है वो गेहूं शुगर केन की ले, उसके बाद में उनको जो छाया पीढ़ी पादप है जैसे कि अरबी है, हल्दी है, इनका प्रयोग करें ताकि अल्टीमेटली फार्मर की प्रोडक्टिविटी दोनों तरीके से बढ़ाई जा सके। दूसरा मेरा सुझाव है कि पॉपुलर के प्लांट लगाने से पहले गड्ढों को एक महीने पहले खोद दिया जाए। तीसरा सुझाव है कि जब आप फार्मिंग कर रहे हैं तो ट्रैक्टर को पॉपुलर की रूट से 2 फुट दूर रखें, अन्यथा क्या होता है कि रूट को पॉपुलर ट्रैक्टर हैरोर ये डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण खंडक का टेप बढ़ जाता है, प्लांट कमजोर होता है और उसकी मार्केट वैल्यू भी घट जाती है। तो चौथा ये देखने में मिला है कि किसान कभी कभी अपने खेत के चारों ओर बाड़ लगा देता है, इससे भी उसका काफी ज्यादा मार्केटेबल प्रोड्यूस का नुकसान हो जाता है। जी जी, अंततः किसान को सीडलिंग मटेरियल जो प्लांटिंग मटेरियल है वो काफी क्वालिटी लेना चाहिए। अगर सोर्स क्वालिटी होगा तो सिंक उतना ही अच्छा होगा। बिल्कुल जी, डॉक्टर सुनील कुमार आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है। अभिनव जी को तो फायदा होगा ही, बाकी तमाम दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं मुझे उम्मीद है कि वो भी जरूर लाभ उठाएंगे इन जानकारियों का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर दुबे, आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दी है, इतने अच्छे मॉडल के बारे में बताया है जो एकीकृत कृषि प्रणाली के हैं। अब मुझे उम्मीद है कि किसान जरूर इसे अपनाएंगे और अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका और किसान भाइयों का बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने विस्तार से जाना कृषि वानिकी के बारे में और एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में। जाहिर तौर पर ये ऐसे विषय हैं जो सीधे सीधे आपकी आमदनी बढ़ाने से जुड़े हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आप जिस तरह से खेती किसानी करते आए हैं उसमें थोड़े बहुत बदलाव आप जरूर करेंगे और इन बदलावों को शामिल करके ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से बदलाव आ जाता है, आर्थिक रूप से आप कितने सबल हो जाते हैं। तो इसके साथ ही कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब हम आपको बता दें अगले विषय के बारे में। जी हाँ, सोमवार को जो हेलो किसान कार्यक्रम होगा उसका जो विषय है वो रहेगा पशुधन की देखभाल
और इसके साथ ही बदलते मौसम में मुर्गी पालन, तो इन खास विषयों पर सोमवार को चर्चा होगी हेलो किसान कार्यक्रम में। और कृषि पशुपालन से जुड़े हुए सवाल अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और इसके अलावा जो हेलो किसान कार्यक्रम का फेसबुक पेज है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1130-60। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें और अपने सवाल दर्ज करा दें। तो लगातार हमारी कोशिश रहती है कि हेलो किसान कार्यक्रम में हम ऐसे विषय आपके लिए लेकर आए जो कृषि से संबंधित तो हो ही, लेकिन इसके साथ ही जो आपकी आय भी बढ़ा सकती हो, यानी कि इन जानकारियों का आप लाभ उठाते हुए अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप जरूर हेलो किसान कार्यक्रम से जो जानकारियां आपको मिल रही है उस पर अमल कर रहे होंगे और कृषि में बदलाव करके आप बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। बहरहाल इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम की आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।